नमस्कार मैं डॉक्टर अमित केसरवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन स्टूडेंट फ्रेंड्स एंड यूजीसी नेट पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के समाजशास्त्र विषय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो समाजशास्त्र के इन प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इनसे बहुत सी बातें निकल के आती हैं जो व्यवहारिक समाजशास्त्र में विकास करता है तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के संदर्भ में एंथनी गिडिक्स ने ग्लोबलाइजेशन को कैसे परिभाषित किया है उनके अनुसार ग्लोबलाइजेशन के प्रमुख तत्व क्या हैं आर्थिक सुधार और सांस्कृतिक परिवर्तन राजनीतिक सुधार और सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक परिवर्तन आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम तो गिडिंग्स की इन बातों को देखा जाए गिडिंग्स ने ग्लोबलाइजेशन की बात करी है वैश्वीकरण की बात करी है, वैश्वीकरण को जो तात्पर्य निकलता है वो विश्व का एकीकरण कर देना होता है वैश्वीकरण को मैंने कई बार बताया विभिन्न आधारों पर वैचारिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधार पे लोगों का एक हो जाना एक तरफ कन्वर्ज हो जाना एक तरफ मुड़ जाना तो इसे हम वैश्वीकरण कहेंगे विश्व का एकीकरण हो जाना अब इस पे देखें तो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम, लगभग सभी आयामों का का पर लोगों का एक तरफ जुड़ जाना वैश्वीकरण कहलाएगा तो राइट आंसर एस डी आप इसको याद कर लीजिए जब भी वैश्वीकरण आए तो आप एक मंत्र याद कर लीजिए विश्व का एकीकरण हो जाना विभिन्न आधारों पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवहारिक वैचारिक सांस्कृतिक सभी आधारों पर सभी आयामों पर बस ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी है। के विश्व प्रणाली सिस्टम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का समाजशास्त्र में क्या महत्व है वालरस्टीन ने वैश्विक असमानता के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किया है वालरस्टीन एक विश्वव्यवस्था सिद्धांत को देते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व कई भागों में बटा हुआ है और यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विकसित राष्ट्र हमेशा विकसित रहेंगे और जो विकासशील है वह विकासशील में और अर्ध विकास हमेशा अर्ध विकास अर्धविकास अल्प विकास हमेशा अल्प विकास इसका कारण है कि जो अल्प विकास है वो मात्र कुछ ही अंश को प्राप्त करेगा विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकसित राष्ट्र उन्हें उतना अंश हमेशा उतने अंश से अधिक कभी नहीं देंगे जिससे कि उनका विकास तय हो सके एक साधारण रूप से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर अपने नौकर को रखता है तो नौकर को उतनी ही सैलरी देगा या देना चाहेगा जिसमें मात्र वह अपना सर्वाइवल कर सके ना कि वह इतना विकसित हो जाए कि कल को वह मालिक बन जाए इस संदर्भ में वैश्विक व्यवस्था चल रही है जो असंतुलन की एक वैश्विक व्यवस्था है ठीक है यह है उनका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जिसमें उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में क्या महत्व है वैश्विक समानता के क्या विचार प्रस्तुत की वैश्विक और उत्पादन के साधन वैश्विक असमानता और सामाजिक संरचना वैश्विक असमानता और सांस्कृतिक विकास वैश्विक असमानता और राष्ट्रीय और राजनीतिक दृष्टिकोण तो यहाँ पर जो स्पष्ट है कि वैश्विक जो असमानता है वो एक सामाजिक संरचना में बनी हुई है इसका आंसर यहाँ पर बी की ओर जा रहा है क्योंकि ऐसी सामाजिक संरचना बना दी गई है कि सामाजिक संरचना में विकसित राष्ट्र हमेशा विकसित बने रहेंगे अविकसित हमेशा अविकसित रहेंगे उनको बढ़ने का कोई बहुत अधिक चांस नहीं मिलेगा उनको मात्र उतना ही दिया जाएगा जिसमें कि वो सर्वाइवल कर सके एक उदाहरण के रूप में हम आपको थोड़ा समझाना चाहेंगे जैसे अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है क्यूबा हवाना उस पर है। क्यूबा हवाना और अमेरिका लगभग एक सात पड़ोसी राष्ट्रों में लगभग क्या बल्कि पड़ोसी राष्ट्र क्यूबा क्यूबा हवाना क्यूबा जो कि चीनी का कटोरा माना जाता है गन्ने की बड़ी उत्पादन वहां होती है टमाटर का अच्छा खासा उत्पादन होता है लेकिन निर्धन है अपने चीनी और टमाटर को बेहद ही सस्ते दामों पर अपने पड़ोसी देश अमेरिका को बेच देते हैं क्योंकि उनके पास अन्य रेशों का कोई समूह नहीं है जिनके पास वो अपनी चीजों को भेज सके ऐसे में अमेरिका सस्ते दामों पर इनका खरीद करके इनको टोमेटो कच्चे में बदल देता है और एक रुपए में गन्ना एक रुपए किलो में टमाटर खरीद करके इसको विभिन्न तकनीक लगा के चार से पांच रुपए और ऐड करते हुए एक टमाटो कैचअप एक लीटर बना देता है और उसके बाद दो चार पांच रुपए और खर्चे करते हुए एक लीटर बोतल को सौ रुपए लीटर में भेजता है अब पे समझने वाली बात है कि वो दस रुपए के इन्वेस्टमेंट करके सौ रुपए कमा रहे हैं यानी नब्बे रुपए कमा रहे हैं जबकि एक रुपए कमाने के पीछे एक रुपए प्राप्ति करने के पीछे क्यूबा खवाने के जो किसान हैं, वो सत्तर रुपए तक सत्तर पैसे तक लगा दे रहे हैं ऐसे में उनको मात्र तीस पैसा बचत होगी तो तीस पैसे में वो अगले बार अनाज लाएंगे और अपने जीवन के लिए बीज लाएंगे और अपने जीवन को संचालित करेंगे अब इसलिए वो जिंदगी भर हमेशा ये क्रम चलता रहेगा वो कभी भी अपने सर्वाइवल से ऊपर नहीं उठ पाएंगे यही है विश्व व्यवस्था का सिद्धांत आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है पीटर बर्जर और थॉमस लुकमैन के सामाजिक वास्तविकता का निर्माण सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की अवधारणा का समाजशास्त्र में क्या महत्व है उन्होंने सामाजिक वास्तविकता के निर्माण को कैसे परिभाषित किया देखिए सामाजिक वास्तविकता के सिद्धांत में उन्होंने यही कहा कि जो समाज का सत्य है उसे जो वास्तविक सत्य है उसे सामाजिक सत्य बनाया जाए और जो समाज का सत्य है उसे हटा दिया जाए अब कहने का मतलब है कि जो ऑलरेडी समाज में सही माना जा रहा है आज की परिदेश के अनुसार वो सही है या नहीं इसे देखा जाए और जो सत्य है उसे समाज को उद्घाटित किया जाए और समाज को सत्य पे संचालित किया जाए तब हम कहेंगे कि सत्य का सामाजिक निर्माण हो रहा है अर्थात हम परंपरा से देखते चले आए एक उदाहरण से समझाऊंगा परंपरा से देखते चले आए तो सूर्य को ईश्वर है सूर्य को देवता है यह हमारे धर्मावलंबी हमेशा मानते चले आए लेकिन आज हम इस बात को जान चुके हैं कि सूर्य ईश्वर नहीं है और ना सूर्य देवता है माता एनर्जी का सोर्स है और अगर सूर्य देवता ईश्वर माना जाए तो ब्रह्मांड में जितने भी सितारे हैं सभी देवता हो जाएंगे प्रोक्सीमा स्टारिस से बड़ा देवता हो जाएगा तो इस सत्य से अब समाज का निर्माण किया जाए और समाज को जागरूक किया जाए उसे बताया जाए कि यह सत्य नहीं है कि सूर्य देवता है सूर्य ईश्वर है और इस आधार पर सूर्य की उपासना करना गलत है इस तरीके से अगर समाज की मानसिकता बदल के नई मानसिकता वाले समाज का निर्माण किया जाए तो उसे कहा जाएगा सत्य का सामाजिक निर्माण करना आइए यहाँ पे क्वेश्चन के इन ऑप्शंस में इन बातों को ढूंढें कि इस अवधारणा से समाजशास्त्र में क्या महत्व है तो इस अवधारणा से समाजशास्त्र में महत्व की बात करें तो पहला पॉइंट है कि सामाजिक वास्तविकता और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य दूसरा है सामाजिक वास्तविकता और सामाजिक संरचना तीसरा है सामाजिक वास्तविकता और नैतिकता और चौथा है सामाजिक वास्तविकता शक्ति ऑब्वियसली नैतिकता का कोई मतलब नहीं शक्ति से कोई मतलब नहीं मूल्य से कोई मतलब नहीं ये समाज की संरचना है तो समाज की संरचना में ही तो सामाजिक वास्तविकता को लाना होगा आंसर यहाँ पर भी होगा अगले क्वेश्चन पे चलते टॉलकट पार्सन्स के सामाजिक प्रणाली क्रिया प्रणाली सोशल एक्शन थ्योरी उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत दिया है जिसमें पार्सन्स ने चेतन अचेतन क्रियाओं को विभेद किया है अवधारणा का क्या महत्व है पार्सन्स के सामाजिक प्रणाली की किन चार उपक्रम प्रणालियों की पहचान की है बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन का आंसर जब चार उपक्रम की बात कर ले तो आपके दिमाग में सिर्फ एक आना चाहिए एजिल मॉडल जिसमें एडेप्टेशन गोल अटेनमेंट इंटीग्रेशन लेटेंसी ये किसी भी स्थितियों में किसी भी व्यवस्था को संचालित होने के लिए चार बातों का होना चाहिए पहला तो उस व्यवस्था में अनुकूलन होना चाहिए यानी उन व्यवस्था 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 के के तत्वों बीच में में आपसी सामंजस्य होना चाहिए चाहिए लक्ष्य को ध्यान रखकर चलनी वह विभिन्न अंगों को सबको साथ लेकर चले इंटीग्रेट करके चले उस व्यवस्था के सामने बहुत से तनाव आएंगे लेटेंसीज है उन्हें तनाव का प्रबंधन करना चाहिए कहीं से भी व्यवस्था हो सकती है शारीरिक व्यवस्था हो सकती है समाज की व्यवस्था सरकार की व्यवस्था किसी व्यवस्था की हो सकती है वसुता पार्षद ने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में से समझाया पर ही ये है, कहते हैं कि मेरे ये सिद्धांत ग्रांठियोरी है जो कि विभिन्न व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी देखा जा सकता है अगर हम शारीरिक व्यवस्था की बात करें तो हमारे शरीर जो है वो अनुकूलित अनुकूलन बना के चलेगी तभी हम जीवित रहेंगे यानी शरीर की व्यवस्था के लिए एडेप्टन होना जरूरी है शरीर लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपना संचालन करे अर्थात समय पे भोजन होना चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए इन बातों को ध्यान में रखेंगे तभी हमारा शरीर सुस्पष्ट और बढ़िया चेतन बना रहेगा शरीर के विभिन्न अंग हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके चलेंगे तभी शरीर जीवित रहेगा नहीं शरीर समाप्त हो जाएगा अगर हाथ कह दे आज काम पे नहीं जाऊंगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते पैर कह दे आज चलेंगे नहीं तो हम चल नहीं सकते इसी प्रकार मस्तिष्क कह दे हम सोचेंगे नहीं तो हम तो खोपा में चले जाएंगे और हृदय कह दे कि अभी आधा घंटे के ब्रेक पे जा रहे हैं तो हम तो मृतकारित हो जाएंगे तो शरीर इन अंगों को लेकर चलेगा तभी संचालित कर सकेगा इसी तरीके से शरीर के सामने विभिन्न प्रकार के तनाव आते रहते हैं इन तनाव को हम संचालित करते रहते हैं व्यवस्थित करते रहते हैं तनाव को प्रबंधित करते रहते हैं तो ही यह शरीर व्यवस्था चलती है तो यहाँ लेटेंसी इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर देखिए तो आंसर के रूप में uh, आंसर यहाँ पर एक ही और होगा उदाहरण में बहुत कुछ रखा जा सकता है समाज व्यवस्था को भी ले सकते हैं जैसा कि पार्षद समाज व्यवस्था के संदर्भ में इसकी बात करी यह समाज है जो विभिन्न तत्वों से मिलकर चल रहा है अनुकूलन बना के चल रहा है यह समाज है तभी तक जीवित है जब वह इंटीग्रेशन जब वह गोल को ध्यान में रखता है अगर गोल को ध्यान में रख कर वो चल रहा है तभी समाज चलता रहेगा संस्कृति चलती रहेगी नहीं है, समाज समाप्त हो जाएगी विभिन्न अंगों को मिलकर लेके चलती है इंटीग्रेट करके चल रहा है तभी चल रहा है नहीं समाप्त हो जाएगी विभिन्न तनाव को प्रबंधित होकर चल रहा है नहीं ये समाप्त हो जाएगी तो ये तमाम चीजें यहां पर हो सकती हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ब्रेनोस मैलोनोस्की के नजरिए से है इंटरप्रिटेशनल ऑफ कल्चर इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर का महत्व क्या है अब ब्रेनोस्की ने कल्चर के ऊपर अपना अध्ययन किया और मेलेनस्की ने कल्चर के को समाज की आवश्यकता की महत्वपूर्ण तत्व माना सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करता है सात आधारभूत कारण भी बताएं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे जिसके इंपॉर्टेंस की बात क्या है इसके महत्व को किस संदर्भ में उन्होंने व्यक्त किया ऑप्शन ए है सामाजिक संदेशों के विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक व्यवहार की समझ करता है ऑप्शन बी है सामाजिक संरचनाओं के संदर्भ में स्थानीय जीवन की समझ करता है ऑप्शन सी है समाज के रोचक प्रतिष्ठानों का विश्लेषण करता है ऑप्शन डी है स्थानीय संस्कृतियों के बहे प्रतिष्ठानों का अध्ययन करता है तो ऑप्शन ए यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि सामाजिक संदेशों के विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक व्यवहार की समझ क्योंकि यहाँ पर व्यवहार की समझ का अध्ययन मैंने इसके लिए किया मैं इसके लिए बात कहा कि संस्कृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो ये यह स्पष्ट यहाँ पर अर्थ ए हो जाएगा Obviously, ये ये आपको समझ में आ रहे होंगे जी हो, को पढ़ने का सही तरीका यही है कि जब हम समाज साज को पढ़ें या सामाजिक सिद्धांतों को पढ़ें तो उनको अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें हम अपनी चिंतन क्रिया में उसको रखें यानी कि जब हम कोई क्रिया कर रहे हो तब महसूस करें कि यहाँ पर मेनसी का इस सिद्धांत कितना प्रभावी होगा हम जो कार्य कर रहे हैं पार्सन्स के एजिल मॉडल के अकॉर्डिंग सोचे तो हमारा यह कार्य कैसे प्रभावी होगा तो इस प्रकार से जब सोच के चलना शुरू करेंगे तो वास्तविक रूप से व्यवहारिक समाजशास्त्री बनेंगे और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन हो सकेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चल रहे हैं। जर्गन के सिद्धांत सामाजिक कार्यवाही सोशल एक्शन थ्योरी के अनुसार सामाजिक कार्यों में समाज का क्या रोल है अकॉर्डिंग टू जर्गन है विचारक हैं, इन्होंने भी सामाजिक एक्शन का सिद्धांत दिया अगर हम पहले चले परंपरावादी समाज शासन और टार्क ने भी सामाजिक एक्शन की बात करी मैक्सिवेर ने भी सामाजिक एक्शन की बात करी समाज में सामाजिक क्रिया की बात करने वाले कई विचारकों में से वेलफेयर पेड़ों को भी नहीं बुलाया जा सकता और क्रिया के संदर्भ में बात करने वाले एंथनी ग्रेक्स भी हैं क्रिया के संदर्भ में हैबरमास पांचवे और आधुनिक समाज शास्त्रियों में एक आते हैं अब इन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में समाज का क्या रोल है सामाजिक कार्यों में समाज का क्या रोल है इस पर क्या कहा संबंध पर ये प्रश्न है पॉइंट एक सामाजिक क्रियाओं के लिए अधिकृत संदर्भ प्रदान करना प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट फॉर सोशल यानी कि समाज के संदर्भ में सामाजिक क्रियाओं का महत्व होता है जब सामाजिक संदर्भ में हम कोई क्रिया करें तो उसका स्थान उसका महत्व उसी समय समझ में आएगा उस क्रिया का महत्व सामाजिक संदर्भ में ही समझ में आएगा विवाह का महत्व समाज के संदर्भ में समझ में आएगा साधारण रूप से विवाह का महत्व बच्चे अगर गुड्डा गुड़िया खेल रहे हैं तो विवाह कर रहे हैं तो उसे विवाह नहीं कहा जाएगा हसी मजाक में किसी को विवाह विवाहित हो जाने कह देने से वो विवाह नहीं हो जाएगा जब तक उसके संदर्भ में उस बात को ना कहा जाए तो इस पॉइंट ऑफ से सामाजिक क्रियाओं के अधिकृत संदर्भ प्रदान करना सामाजिक क्रियाएं हो सकती और आपको बता दो हैबर मास ने सामाजिक एक्शन थ्योरी में यही बात रखा है फिर हल हम यहां पर ए को सही मान लेंगे बी भी, भी पढ़ लेते हैं सामाजिक कार्यों के समाज की स्थाई स्थायीता को बनाए रखने के लिए उत्तेजित करना यह बात गलत है उत्तेजित करना जैसा तत्व ही गलत बात है सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक संवादों को संरचना करना यह भी उन्होंने नहीं कहा सामाजिक कार्यों के माध्यम से सामाजिक असमानता असमानता की बात भी नहीं करी ऑब्वियसली यहां पर आंसर ए होगा सामाजिक क्रियाओं के लिए अधिकृत संदर्भ प्रदान करना प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट फॉर सोशल एक्शंस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंडियन थिंकर के ऊपर मैंने बनाया है राधा कमल मुखर्जी राधा कमल मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र में कौन सी प्रमुख सैद्धांतिक धाराओं का विश्लेषण किया इन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट राधा कमल मुखर्जी एनालाइज्ड मेजर थोरिटिकल पर राधा कमल मुखर्जी जो विशेष रूप से मूल्यों के समाचार के लिए जाने जाते हैं उनके अनुसार मूल्य समाज में स्थिर पक्ष है पर इन मूल्यों के बदलने से समाज में बदलाव हो रहा है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में परिवर्तन को देखने को मिल रहा है और इसी संदर्भ में यहां पर प्रश्न रखा गया जाति और समाज के संबंध विश्लेषण उन्होंने इस संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया सामाजिक संरचना में परिवर्तन का अध्ययन यहाँ पे उस संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय समाजशास्त्र की प्रमुख सैद्धांतिक धाराओं में सामाजिक संरचना में परिवर्तन ये बात सही है ये गलत है नगरीकरण के प्रभाव यहाँ पर ये यह बोस ने किया है सुरजीत सिन्हा ने किया है नगरीकरण की बात इन्होंने नहीं किया धर्म समाज और राजनीति के त्रिकोणीय संबंध ये भी इन्होंने नहीं दिया आंदे belirtti नहीं दिया है तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं राल्फ डेरेंडॉफ के सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के सिद्धांत पर विचार करें उनकी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक संघर्ष का महत्व क्या है रिफ्लेक्ट ऑन राल्फ डेरेंडॉफस थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू हिज सोशियोलॉजिकल वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल यानी समाज में जो संघर्ष होते हैं उनका क्या रोल है अब अगर हम सामाजिक संघर्ष की बात करें कई विचारकों ने इस पर से बात किया। अगर इससे पहले बात करें तो लेबिसकोजन ने बात किया लेन ने कहा कि समाज में ये जो संघर्ष है वो प्रकारवादी विश्लेषण लाते हैं यानी प्रकार लाते हैं अगर संघर्ष होगा तो समाज में विकास होगा संघर्ष समाज में विकास होगा हाँ क्योंकि वो रोजो के तनाव से मुक्ति प्रदान कर देगा संघर्ष एक दिन होगा सिर्फ समस्या उस दिन होगी लेकिन इसके आगे फिर समाज में व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगा तनाव खत्म हो चुका होगा और सामान्य जीवन व्यक्ति व्यतीत कर सकता है समाज तनाव रहित रहे इससे अच्छी बात क्या है इसलिए जब तक तनाव है समाज का विकास नहीं हो सकता से संघर्ष होना प्रकार है ये सिद्धांत के अनुसार के है पर यहां पर क्वेश्चन कुछ और है यहां पे क्वेश्चन कह रहे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट का क्या है तो यहां पर समाज में शक्ति के विभाजन का प्रमुख कारण समाज में असमानता का संघर्ष समाज में सामाजिक संघर्ष के रूप में समाजा उपयोगिता समाज के अवरोधन और अविरोधन का विश्लेषण तो इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ने समाज में सामाजिक असमानता का संघर्ष का आधार जोड़ा स्ट्रगल ऑफ सोशल इक्वलिटी इन सोसाइटी संघर्ष के कारण क्या है इस दृष्टिकोण पर उन्होंने अपने विचार दिया कैबिज कोजर के विचार डिफरेंट है पर राल डर ने सामाजिक संघर्ष के लिए असमानता को आधार बताया उन्होंने कहा यह असमानता समाज में संघर्ष लाता है इससे इसका राइट आंसर बी होगा समाज में सामाजिक असमानता का आधार संघर्ष को जन्म देता है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है क्लाउड लेबिस्ट्रॉस के सिक्के के दो पहलुओं ब्राइकोलैच के सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया कुछ ऐसे नए नए सिद्धांत हैं थ्योरी है जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं लगातार मेरा प्रयास रहता है कि नए नए ऐसे प्रश्नों को रखा जाए जिसे नए विचार निकल के आए हमेशा एग्जाम में पी आर क्यू से ही काम नहीं बनता कि पास्ट ईयर क्वेश्चन को रिवीजन कर लिया जाए कुछ नए भी नॉलेज तो होना चाहिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेवस्टॉक्स का कॉन्सेप्ट है ब्राइकोलच जिसमें सिक्के के दो पहलुओं के सिद्धांत पे बात हुई आइए पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं फिर इस सिद्धांत को गहराई से समझाता हूं तो पहले समझे सामाजिक सामाजिक दो बार हो गया सामाजिक एक टाइप सा गया जी एक कर दीजिए सामाजिक सामाजिक संरचना के रूप में उपयोग किए जाने वाला प्रारूप ऑप्शन बी है विभिन्न सामग्री को विभिन्न भी दो बार हो गया विभिन्न सामग्री को एकल करने और उपयोग करने की प्रक्रिया सी है समाज में समाज में अरे एक में थोड़ा सा टाइपिंग हो गया समाज में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और डी है संरचनात्मक सिद्धांत संरचनात्मक सिद्धांत का विश्लेषण तो आपको सही बता दो इसका आंसर बी है लेविस्ट्रॉस ने सिक्के की दो पहलुओं का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे ब्राई कोलच कहते हैं जिसमें ने कहा कि विभिन्न सामग्री को एकत्र करने और उपयोग करने की प्रक्रिया सिक्के की दो पहलू आपने सुना जिसका तात्पर्य होता है कि दोनों पक्ष पहला पक्ष जैसे हेड है और दूसरा पक्ष टेल है तो इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखना सिक्के के दो पहलू होते हमेशा ये विरोधी होते सामान्यता हेडिया टेल जब हम सिक्के को छालते हैं किसी एक पक्ष को एक समय में आना होता है पर लेस्ट्रॉस ने कहा कि सिक्के के सभी पहलु दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर समाज का विस्तार किया जाना चाहिए अर्थात विभिन्न सामग्रियों को एकत्र करने और उपयोग करने की प्रक्रिया यानी सिक्के की सभी विभिन्न सामग्री का मतलब दोनों पक्ष एक पक्ष जो विरोध पक्ष का और एक पक्ष जो सहयोग पक्ष दोनों पक्षों की विचारधारा को अपनाकर हमें इनका उपयोग करते हुए समाज का विकास किया जाना चाहिए सामाजिक अध्ययन में एक पक्ष से फैसला नहीं लिया जाना चाहिए समाज का विकास करना है तो समाज के फॉर और अगेंस्ट दोनों पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए ब्राय कॉलेज सिद्धांत इनका यही कहता है सिक्के के दो पहलुओं दोनों पक्षों का उपयोग कर समाज का विकास किया जाना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर विभिन्न सामग्री को एकत्र करने यानी इंग्लिश में दो बार हो गया हिंदी में भी दो बार अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड यूजिंग वेरियस मटेरियल्स एंड यूजिंग वेरियस मटेरियल्स डबलिंग हो गया एकत्रित करने और उपयोग करने पर होगा आंसर नंबर बी इसका सही आंसर होगा अब आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन एल्फेट के दृष्टिकोण से सामाजिक अभिरुचियों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है फ्रॉम द इज द स्टडी ऑफ सोशल प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट समाज के अभिरुचियों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है एल्फ्रेट के अनुसार अभिरुचियों का मतलब यहां पे समाज की पर्सपेक्टिव नजरिए अब समाज के नजरिए अनुभवों का अध्ययन करना समाज की प्रथाओं परंपराओं का अध्ययन करना ये सामाजिक समाज किस ओर है समाज की मान्यताएं क्या अभिरुचि यानी समाज की ओर झुकाव, समाज की ओर झुका हुआ है तो समाज की मान्यताएं, उनकी भावनाओं उनकी विचारधाराओं इसका अध्ययन करना और हम समाज की प्रथाओं को अपने विचारों से समझे इसका अध्ययन करना इस पॉइंट ऑफ से देखिए तो सामाजिक संस्कृतियों के संरचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक संजालों की समझ समाज संजाल की बात ये करते ही नहीं नेक्सस की बात इन्होंने किया ही नहीं बी है व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना स्टडी ऑफ सोशल प्रैक्टिस थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस ये एक सही आंसर है इनका क्योंकि उन्होंने ये बात कहा ना की सामाजिक प्रथाओं यानी सामाजिक परंपराओं सामाजिक विचारधाराओं समाज किस ओर झुका है उसकी अभिरुचि क्या है उसको समझना जो कि व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से किया जा सकता है सी कहता है स्थानीय समाजों में सामाजिक भावनाओं की प्रतिष्ठान का विश्लेषण सामाजिक भावनाओं के प्रतिष्ठान ये प्रतिष्ठान वर्ड कोई अजीब सा है जिसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता है इस चीज को नहीं लेंगे फिर सामाजिक अभिरुचियों के सामाजिक प्रदर्शनों का अध्ययन सामाजिक प्रदर्शन भी यहां पर गलत है इससे जो सही अर्थ निकल रहा है वो बी का निकल रहा है व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सामाजिक प्रथाओं यानी समाज की अभिरुचियों का अध्ययन करना यह तात्पर्य निकलता है तो आज इतने ही क्वेश्चन इन क्वेश्चन को पहले भारती कई बार रिवाइज कर लीजिएगा जिनसे कि आपको जो भी हो सकता है एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पॉइंट आए तो वो काम का हो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काम का साबित होगा फिर नए विचारधाराओं और नए क्वेश्चन के साथ मैं अगले फिर किसी वीडियो में मुलाकात करूँगा तब तक अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद नमस्कार